पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। इमरान खान ने सऊदी अरब से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस्लामिक देशों का हीरो बनने की इमरान की कोशिश ने उन्हें विलेन बना दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार में इमरान का हाथ सऊदी अरब ने छटक दिया है। इमरान के मंत्रियों की बदजुबानी और बदगुमानी के चलते इमरान का अब होने जा रहा है तख्ता पलट और पाकिस्तान बनने जा रहा है शरीफ। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करने की मक्कार साजिशों की वजह से अपने ही बुने जाल में इस कदर उलझ गए हैं कि उनकी कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इमरान खान को कुर्सी से हटाकर सेना के एक पूर्व बड़े अधिकारी को पाकिस्तान की कमान देने की तैयारी हो चुकी है। ये हैं इमरान खान नियाजी। ये हर सियासी मसले को क्रिकेट की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया का हर देश एक बल्लेबाज है जो कि इनकी तेज गेंदबाजी से डरता है। लेकिन सियासत के पिच पर टॉस जीतने भर से मैच नहीं जीता जाता है। पाकिस्तान की जनता ने कोई विकल्प न होने पर सेना की मेहरबानी से इमरान को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन अब देश के हालात ऐसे हैं कि कटोरा खरीदने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। उस पर ऊपर से इमरान सरकार ने सऊदी अरब से दुश्मनी ले ली, वो भी ऐसी वैसी नहीं। सऊदी अरब को ऐसा नाराज किया कि उधारी में तेल मिलना और उधार कैश मिलना ही बंद हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कह दिया, आज नकद कल उधार। अब इमरान सरकार के दौरान पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि ना तो अमेरिका से खैरात में डॉलर मिल रहा है और ना सऊदी अरब से तेल। कोरोना से निपटने में नाकामी, आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान की खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी के दिन लगने वाले हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर जो बड़बोला बंद दिखाया, उससे इस्लामिक देश खुश तो नहीं हुए बल्कि नाराज और हो गए। दरअसल इमरान सरकार की कब्र खोदने में खुद इमरान के मंत्री जुटे हुए हैं। एक हैं रेल मंत्री शेख रशीद, जो कि पाव पाव वजन के परमाणु बम जेब में लेकर चलते हैं और भारत पर फेंकने की धमकी देते रहते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि वो परमाणु बम के ऊपर ही बैठे रहते हों। हाल ही में उन्होंने भारत को धमकी क्या दी थी, जरा आप भी सुनिए। यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है, यह खूनी और आखिरी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत छोटा, कैलकुलेटेड, परफेक्ट, निशाने पर लेने वाला और मुसलमानों की जानें बचाते हुए भारत के असम तक के इलाकों को टारगेट करने वाला है। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो ना टैंक चलेंगे, ना सैनिक लड़ेंगे, ना सरहदों पर गोला बारूद बरसेगा, बल्कि सिर्फ परमाणु बम गिरेंगे हिंदुस्तान पर, और वो बम ऐसे होंगे जिनसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। अरे शेख रशीद साहब चाहते क्या हो? क्या ऐसा साइंस का कोई सिद्धांत है जिससे परमाणु बम फूटने के बाद ये तय कर ले कि किसे नुकसान पहुंचाना है और किसे नहीं? तो ऐसे बमबाज मंत्री जिस पीएम के इर्द गिर्द होंगे उसका खुदा ही मालिक है। अब बात उन दूसरे वजीर की जिसने सऊदी अरब को ऐसी शह दी कि इमरान खान की ही मात हो गई। इनकी तारीफ तो पूरा सऊदी अरब और दुबई कर रहा है, इमरान के खास नगीनों में शुमार करते हैं। नाम है शाह महमूद कुरैशी। इन साहब ने तो इमरान से दो कदम आगे चलते हुए कश्मीर के मसले पर समर्थन लेने के लिए ओआईसी को देख लेने की धमकी दे डाली। कुरैशी ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और मुस्लिम देशों के समूहों का नेतृत्व करे। अगर कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी दखल नहीं देता है तो फिर पाकिस्तान पीएम इमरान खान के नेतृत्व में, सुन लीजिए, पीएम इमरान खान के नेतृत्व में उन इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएंगे जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। कुरैशी के इस बयान से सऊदी अरब बेहद नाराज हो गया है। कुरैशी ने इस बयान के जरिए ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान अब इस्लामिक देशों के नेता के तौर पर उभर रहा है। दरअसल कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब पर यह दबाव डाल रहा था कि वो 57 मुस्लिम देशों के संगठन यानी ओआईसी की बैठक बुलाए। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के बाद ओआईसी को दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, लेकिन अब
जिस सऊदी अरब के पैसों से पाकिस्तान पेट पाल रहा था उसी देश को धमकी दे डाली। दो साल पहले अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया था। इस आर्थिक पैकेज में 3 बिलियन डॉलर की नकद सहायता शामिल थी। बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। शुरुआत में ये राहत 1 साल के लिए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया था। 3 बिलियन डॉलर की नकद सहायता का 3.3% की दर से पाकिस्तान ब्याज अदा कर रहा है। सऊदी अरब हमेशा ही पाकिस्तान का मदद रहा है। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए भी सऊदी अरब से ही पैसे मिले थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कभी भी कश्मीर से ऊपर उठ ही नहीं सके। इनकी राजनीति का ककहरा कश्मीर से शुरू होकर कश्मीर पर खत्म हो जाता है। बस इमरान की यही नेतागिरी सऊदी को खल गई और उसने पाकिस्तान को धीरे धीरे हलाल करते हुए तेल पानी बंद कर दिया। कुरैशी के बयान के साइड इफेक्ट शुरू हो गए। इमरान की कुर्सी पर 440 वोल्ट का खतरा मंडरा रहा है। सऊदी अरब की नाराजगी से पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी भी नाराज हो सकते हैं, जिन्हें इमरान खान पहले से ही खटकते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आर्मी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने विकल्प के तौर पर चीन का दामन थामने की बजाय अपने गले में ही लपेट लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर चीन का आर्थिक शिकंजा कसता ही जा रहा है। चीन से आर्थिक मदद लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब को आंखें दिखा रहा है। जहां सऊदी अरब और ईरान के बीच जानी दुश्मनी है, तो वहीं पाकिस्तान चीन और ईरान के साथ मिलकर एक त्रिकोण बनाने में जुटा हुआ है। तो दूसरी तरफ मलेशिया और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने पींगे बहुत बढ़ाई है, जो कि सऊदी अरब को नाराज करने के लिए काफी है। पाकिस्तान के धोखे से सऊदी अरब पूरी तरह वाकिफ है, इसीलिए वो अब पाकिस्तान को दूसरा मौका नहीं देगा। यही वजह रही कि सऊदी अरब से माफी मांगने के लिए जब पाकिस्तान ने अपने सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजा, तो सऊदी अरब के सुल्तान ने बिना मिले उन्हें बैरंग लौटा दिया। अब जबकि सऊदी अरब ने उधार तेल देना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान के पास केवल यही चारा है कि वो चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का कर्ज चुकाए। सऊदी अरब के 3 बिलियन डॉलर में से केवल 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने चुकाया है, और वो भी चीन से लेकर। अब आपको दूसरी बड़ी खबर ये बताते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल राहिल शरीफ को राजनीति में लाने के लिए खाड़ी देशों में सक्रियता तेज हो गई है। खाड़ी देश चाहते हैं कि राहिल शरीफ राजनीति में हाथ आजमाएं और फिर पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए, इमरान खान को बेदखल कर दें। साफ है कि इमरान की पारी आखिरी विकेट के लिए चल रही है और वो कभी भी बोल्ड होकर मैच हार सकते हैं। यानी पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट हो सकता है और पाकिस्तान शरीफ हो सकता है।